और इससे आप सोल्डरिंग भी आराम से कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी पाइप चाहिए, जो कि मैंने ले लिया है, और एक लिथियम बैटरी और एक चार्जिंग मॉड्यूल, दो नट बोल्ट और एक स्विच। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सब प्रिंट रहता है, प्लस और माइनस। बैटरी का प्लस प्लस में और बी माइनस जो लिखा है वो बैटरी का माइनस माइनस में लगा देना है, और आउटपुट के लिए भी यहाँ लिखा है आउटपुट प्लस और आउटपुट माइनस, कुछ इसी टाइप से हमें कनेक्शन कर देना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसका आउटपुट कनेक्शन करना है। तो आउटपुट कनेक्शन हमें चार्जिंग मॉड्यूल पर नहीं करना है, डायरेक्ट हमको अपने बैटरी पे कर देना है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। अगर आप चार्जिंग मॉड्यूल में कनेक्शन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो एक में मैंने चार्जिंग मॉड्यूल के लिए ग्रूव कटिंग कर दिया है, तो उसमें चार्जिंग मॉड्यूल को फिट करना है। तो जल्दी से फिट कर लेते हैं। सकते हैं दोस्तों, फाइनली ये सूख चुकी है। तो उसके बाद इस पीवीसी पाइप में हमें फिट कर देना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें स्विच कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर एक कटिंग करना पड़ेगा हमें। तो जल्दी से कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने स्विच के लिए कटिंग कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे स्विच लग जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें कोई सा भी एक वायर को बीच से कट करके स्विच पे इस टाइप से लगाना होगा। तो जल्दी से लगा लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, स्विच कनेक्ट कर दी है, तो उसके बाद कुछ इस टाइप से वायर अंदर से हमें निकाल के स्विच को कनेक्ट कर देना है। स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो होल कर दिया है हमारे स्क्रू के लिए। तो इसमें स्क्रू कुछ इस टाइप से लग जाएगी, तो लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें सोल्ड कर देना है दोनों वायर को। तो जल्दी से कर लेते हैं।
सकते हैं दोस्तों, दोनों वायर को मैंने सोल्ड कर दिया है। तो उसके बाद कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर चिपका देना है, तो जल्दी से चिपका लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसे मैंने चार्ज पे लगा दिया है। अब इसका स्विच ऑन करके देखते हैं यह चार्ज होती है या नहीं। स्विच ऑन कर दिया है मैंने। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले ये वाला वोल्ट लगाया था, लेकिन ये पीतल के होने के कारण अच्छे से वर्क नहीं किया, तो मैंने बड़ा वाला वोल्ट लगा दिया है। पहला यूज इसका ये है कि आपको कुछ भी चलाना है इससे तो आप चला सकते हैं। दूसरे स्टेप की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नाइक्रोम वायर लगा दिया है, तो इसे ऑन करते हैं और इसे कुछ भी आप कट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेपर लिया है और इसको कुछ अच्छे तरीके से ये कट कर रहा है। आप थर्माकोल को भी काट सकते हैं और इससे आप सोल्डरिंग भी आराम से कर सकते हैं।